कोलकाता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीपी योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के गृह मंत्रालय के प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश में CSR में गिरावट के मुद्दे के साथ साथ जीवन चक्र साथिध्य के आधार पर लड़के और महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा। यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि में मिशन शक्ति की संबल रूप योजना के एक घटक के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना जो पहले 405 जिलों में चालू थी अब बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से सभी जिलों को कवर करने के लिए विस्तारित की गई है। लड़कियों के बीच कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भागीदारी मंत्रालय के रूप में जोड़ा गया है। हमारे सरकारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महत्व हमारे लिए नारा नहीं एक आंदोलन है। धन्यवाद। यस मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने उन राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने उक्त अनुपात में कोई सुधार नहीं दिखाया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। माननीय वक्ता महोदया, सरकार जन्म के समय लिंग चयन को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने, बालिकाओं की शिक्षा वृद्धि विकास और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी स्तरों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय द्वारा एक परिचालन मैनुअल विकसित किया गया है जिसमें गतिविधि कैलेंडर शामिल है। राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर कार्यवाही